हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रूट मोबाइल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीक काफ़ी तेज़ी बनता हुआ देखे हैं और इसने न्यू लाइफ हाई लगाया था तकरीबन 2307 रुपये, 2307 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद ये उन स्तरों से नीचे जा कर के ये कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल लास्ट ट्रेडिंग डे में ये 2088 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया है। तो अगर इसके ग्राफ को देखें दोस्तों शॉर्ट टर्म के, तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफ़ी दिनों से, फरवरी से ही लगातार गिरावट के मोड में था और इसमें जो निवेशक थे अलग अलग स्तरों पर फंसते गए थे और काफ़ी इसमें निगेटिविटी फैल गई थी कि कब रूट मोबाइल चलेगा कि नहीं चलेगा। इन सारी बातों पर चर्चाएं बाज़ार में गर्म थी, लेकिन हम लोगों ने लगातार इसके फंडामेंटल को एनालाइज किया था और ये पाया था कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें रैली हम लोग होता हुआ देखेंगे और उसी प्रकार से इसने रैली दिखाया भी लास्ट वीक में और ये अपने 1700 के स्तर से जा कर के तकरीबन 2300 के स्तर को इसने छुआ और न्यू लाइफ हाई बनाया। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि अब इसमें कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में हम लोगों ने जो 4 जुलाई को हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था, इसके लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक स्टॉप लॉस और 3 टारगेट्स की बातें की थी और हम लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि ये तीनों ही टारगेट मीट होते हुए हम लोग देख पाएंगे इसके मजबूत फंडामेंटल के आधार पर। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा को हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस तक ही सीमित रखेंगे, फंडामेंटल पर हम लोग बात नहीं करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले दिनों में रूट मोबाइल में क्या हो सकता है, हम लोग क्या देख सकते हैं इसके शेयर भाव में, किस प्रकार का परिवर्तन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग रूट मोबाइल के वीकली चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि लॉन्गर पीरियड में रूट मोबाइल काफ़ी बुलिश फेज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये लगातार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता है और ये अपने उच्चतम स्तर को मेंटेन किए हुए रहता है। तो ये काफ़ी बुलिश फेज को दिखा रहा है। अगर डेली चार्ट की बात करें दोस्तों, तो डेली चार्ट पर भी ये देखिए ये क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ये बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो रैली हुई लास्ट वीक में, ये यहाँ पर जो रैली हुई उसके बाद ये इन स्तरों पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब हम लोगों को ये जानना होगा कि जो हम लोगों ने 4 जुलाई के वीडियो में बात की थी, चर्चा की थी और एनालिसिस करके ये निकाला था कि इसके 3 टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जो पहला टारगेट था दोस्तों वो 2016 का था, जो कि हम लोग मीट होता हुआ देख चुके हैं। दूसरा टारगेट दोस्तों ये 2205 का था, तो इस टारगेट को भी हम लोग मीट होता हुआ देखे हैं, लेकिन फिलहाल ये उन स्तरों से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी ये टारगेट आना बाकी है, इसको हम लोग आता हुआ देखेंगे। और जो तीसरे टारगेट की बात हम लोगों ने की थी दोस्तों, वो 2452 रुपये की। तो ये टारगेट आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा में लाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके मंथली चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं कि मंथली चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है। तो मंथली चार्ट में दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक रैली के मोड में, ये देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया इन स्तरों से। ये तकरीबन 1700 का लेवल था, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1700 का लेवल था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ये रैली के मोड में है। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ समझने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग वीकली चार्ट पर चलते हैं
वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके टारगेट जो हम लोगों ने लगाए थे वो मीट हो पाएंगे कि नहीं। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें जो हम लोगों ने चार्ट पर डिस्कशन किया था, ये दोस्तों वही चार्ट है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि हम लोगों ने जो एक पहला जो टारगेट की बात की थी, हम लोगों ने 2066 2066 यहाँ पर देखिए कि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो सेकेंड रेसिस्टेंस की बात की थी दोस्तों, ये 2225 था। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि जब इस स्टॉक में रैली हुई उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिली, तो अब ये 2066 के लेवल जो इसके स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के काम कर रहे थे, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी स्तर पर ये स्टॉक जो है अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब दोस्तों अब आगे क्या हो सकता है, चूंकि इस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है और इसने अभी रिसेंटली ही रैली दिखाया है और ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये रैली इन स्तरों से दोबारा जारी होगी दोस्तों, चालू होगी। और जो इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो अभी भी 2225 ही देखने को मिलेगा। और जब भी ये स्टॉक 2225 के लेवल के ऊपर निकल करके ट्रेड करेगा, तो इसमें भारी तेजी आएगी और वो तेजी इस स्टॉक को आने वाले दिनों में 2452 के लेवल पर अवश्य ले जाएगी, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं और क्वार्टर वन के जो इसके नतीजे आएंगे दोस्तों वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। और इसके क्या कारण रहेंगे दोस्तों, हमने पुराने वीडियो में डिस्कशन किया है, तो आप उस पुराने वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, जिसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया। अगर आपकी भी राय रूट मोबाइल के ऊपर कुछ है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करेंगे। और जब तक इसके जो हम लोगों ने दो टारगेट अभी बाकी हैं 2225 2452 नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और हर सप्ताह इस स्टॉक पर हम लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी और इस स्टॉक पर हमेशा हम लोगों को फोकस देना पड़ेगा। चूंकि ये काफ़ी हाई ग्रोथ से आती है, हाई ग्रोथ सेक्टर से आती है, इसके जो बिजनेस ग्रोथ भी है वो काफ़ी हाई ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये सब जो टारगेट हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये अवश्य ही मीट करते हुए हम लोग आने वाले समय में देख पाएंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार लेकर के आता रहता हूँ और रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप व्यूअर्स के साथ अपनी जानकारी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।